फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 25 और मोर पार्टनर्स। पहले तो इस बात को फोकस करो, दिमाग में बिठाओ, क्या होती है मेगा फर्म? बोलो बोलो क्या होती है? कंसिस्टिंग ऑफ 25 और मोर पार्टनर्स। ठीक है, नॉर्मली मेगा फर्म्स आर फाउंड बाय प्रोफेशनल्स लाइक सीए, सीएस, सीएमए, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर भुवन सीएस बन जाता है तो वो चाहेगा उसके पास फाइनेंस के पैसे से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड अगर और काम भी आए तो ये अपने साथ अपने जैसे प्रोफेशनल्स को जोड़ देगा, जैसे एक सीए को जोड़ देगा, एक सीएमए को जोड़ देगा, और भी ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जोड़ देगा। तो इनकी जो फर्म एक बनेगी इसको हम बोलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, MDF। मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए क्योंकि अलग अलग फील्ड के लोग हैं। भुवन सीएस है तो उसका कोई फ्रेंड सीए है और कोई सीएमए है। आप बताओ आपको ये बात कितनी समझ आई? पूरा अच्छे से सर। सभी लोग को जितने क्लास अटेंड कर रहे हो समझ आया बेटा? यस सर, कोई डाउट नहीं है इसमें? करना है चैप्टर में हमको ये समझो, हमको पढ़ना है मेगा फर्म के एडवांटेज क्या है, हमें ये पढ़ना है मेगा फर्म के डिसएडवांटेज क्या है, हमें पढ़ना है मेगा फर्म का मैनेजमेंट कैसे होगा, मेगा फर्म को मैनेज कैसे किया जाएगा, और हमें ये पढ़ना है कि हमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या होना चाहिए, ना पैसा कैसे शेयर होगा। इतनी चीजें पढ़ना है। तो क्या हम अब पढ़ना शुरू करें? Yes, sir. सर, दो हिस्से का पार्ट सी है, याद रखो। आज मेगा फर्म करा दे रहा हूँ, कल सीएस रेगुलेशन करा दूंगा, पार्ट सी खत्म, 10 नंबर। ठीक है, कल सुबह 11 से 2 के बीच में आके अपने नोट्स ले जाना फिजिकल इसके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मेगा फर्म। आप देखो अच्छे से, सीखो एक एक बात को और ध्यान रखो भाई, ऐसा दे दो। ओके, चलो देखो, मेगा फर्म कैन बी डिस्क्राइब एज पार्टनरशिप फर्म विथ मोर देन 25 पार्टनर। बोलो इस लाइन में कोई दिक्कत? नो सर। अ फर्म विच प्रोवाइड कोर प्रोफेशनल सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन अलोंग विथ अलाइड एंड एंसिलरी सर्विस विथ इक्वल कॉम्पिटेंस अंडर वन रूफ इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। यही बात मैंने बोली, मैं सीएस हूँ, अपने साथ सीए सीएमए को भी जोड़ दिया तो मैं साथ में उतनी ही कॉम्पिटेंस की और सर्विसेज दे रहा हूँ एक रूफ के अंडर। इसलिए मेगा फर्म का एक और नाम है, इसको क्या कहा जाता है? एमडीएफ, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। आप बता दो, कोई दिक्कत? नो सर। एग्जाम्पल देख लो, कंपनी का जो एकदम कोर नॉलेज होता है वो कंपनी सेक्रेटरी का होता है। हाउएवर अगर उनको दूसरे चीजों में एक्सपर्टाइज चाहिए जैसे टैक्स में, लेबर लॉ में, फाइनेंस में, तो अपने साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ सकते हैं। ध्यान रहेगी बात? हाँ सर। अच्छा, अब कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन क्या कहता है मैं बताऊं तो, अगर आप आईसीएसआई के मेंबर हो और कल को आप मेगा फर्म या मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बनाना चाह रहे हो तो इन प्रोफेशनल बॉडीज में से किसी मेंबर के साथ बना सकते हो। इनके अलावा बनाने के लिए फिर इंस्टीट्यूट से अलग से परमिशन देनी होगी। तो अगर मैं सीएस हूं और अपनी फर्म, अगर मैं आज मैं एज अ सीएस अपनी फर्म बनाने की सोच रहा हूँ और वो भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म होगी, तो मैं किसके किसके साथ बना सकता हूँ? सीए के साथ, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर हो। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। दूसरा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर हो, कोई दिक्कत? कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट मतलब क्या? ICWA, जिसको सीएमए बोलते हो। सीएमए, सीए के साथ बना सकते हो, सीएमए के साथ बना सकते हो, कोई इशू इसमें आपको? नो सर। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हो माने एडवोकेट, कोई दिक्कत? नहीं सर। जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का मेंबर हो माने इंजीनियर, कोई दिक्कत? जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से जुड़ा हो मतलब एक आर्किटेक्ट के साथ भी आप अपनी मेगा फर्म बना सकते हो, क्योंकि रियल एस्टेट के काम में सीएस का भी बहुत सारा काम पड़ता है,
और रियल एस्टेट माने आर्किटेक्ट का तो बहुत बड़ा रोल है उसमें, है ना, समझ आई बात? हाँ सर। उसके बाद एक्चुअरीज के साथ बना सकते हो आप अपनी पार्टनरशिप। एक्चुअरी मतलब होता है जो इंश्योरेंस वैल्यूअर होते हैं। सीएस का इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम होता है, तो ऐसे लोग को साथ में जोड़ दो, फायदा ही होगा। आपको समझ आ रहा है किसके किसके साथ बना सकते हो? हाँ सर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, कोई भी ऐसी प्रोफेशनल बॉडी जिसको हमारा इंस्टीट्यूट अलाउ कर देगा, रिकॉग्नाइज कर देगा, उसके साथ तुम बना सकोगे। बोलो कितना क्लियर है मेरी बात आपको? मेरी बात आपको कितना क्लियर है ये बोलो। पूरा सर। अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ। तो ये क्वेश्चन आता है, बुआ ने कंपनी सेक्रेटरी है, ये एक मेगा फर्म जो है वो बीकॉम पास बनने के साथ बनाना चाहता है, तो बना पाएगा क्या? नहीं सर। आप क्या करोगे, आंसर बताओगे? फॉलोइंग इनके साथ बनाई जा सकती है, ध्यान रहेगा? हाँ सर। कोई बोल रहा हूँ, अच्छे समझ आ रहा है मेगा फर्म? हाँ सर। अच्छा, अब तुम जैसे जैसे तुम सब सीए सीएमए सब कुछ हो, तुम लोग प्रोफेशनल हो, मैं सीएस हूँ, हम लोग को अभी एक जैसे मेगा फर्म बनानी है, तो उसके प्री रिक्विजिट या एसेंशियल एलिमेंट क्या होने चाहिए? तो ये सिर्फ मेगा फर्म की बात नहीं, हर पार्टनरशिप में बातें चलती है, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। सबसे पहला, ऑल माइंड शुड वर्क टुगेदर एंड इन यूनिसन, हम सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। सही बात है, गलत बात है? अरे पार्टनरशिप में होंगे तो एक दूसरे के लिए काम करेंगे ना, तो एक जैसा विचार या कंसेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ सर। दूसरी बात, से गो टू ईगो, ईगो को बीच में नहीं लाएंगे, कोई दिक्कत? ठीक, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे पे फेथ रखेंगे, विश्वास रखेंगे, कोई दिक्कत? सर। मेजॉरिटी ऑलवेज विंस का रूल रखेंगे, जो मेजॉरिटी बोलेगी वो डिसीजन होगा, कोई दिक्कत? नहीं सर। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रहेंगे, मतलब पैसे का वेस्ट नहीं करेंगे, जितना काम पड़ेगा उतना यूज करेंगे, कोई दिक्कत? जो फाउंडिंग पार्टनर है, जो अभी शुरू में मेगा फर्म बनाए, उनका सबका इक्वल स्टेटस होगा। जो फाउंडर्स होते हैं हमेशा वही रियल होते हैं, तो सब बराबरी के होंगे, कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। इनकम जो है बराबर बांटते रहेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, कोई दिक्कत? नहीं सर। एक इंसान पूरी फर्म को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा, सब मिलजुल कर काम करेंगे, कोई एक किंग पिन नहीं है, कोई राजा नहीं है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सब मिलकर ही काम करेंगे, कोई दिक्कत? टफ लग रहा है क्या? नहीं सर। तो आपको अभी तक मेगा फर्म सभी को समझ, श्रुति समझ में आया? यस सर। लाची समझ आ रहा है? यस सर। ऋषिता? हाँ सर। साक्षी? नहीं है साक्षी। गुंजा समझ आ रहा है? गुंजा? हाँ सर। चलो, फायदे क्या है अगर आप ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बनाओगे या मेगा फर्म बनाओगे, तो सबका फायदा क्या क्या है? तो सबसे पहला, आप टीम वर्क कर पाओगे। अभी तो आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे एज अ सीएस, अब आप फर्म बना लोगे तो आपको भी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि सब अपना अपना एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। सही बात है, गलत बात है? आपको समझ आया पॉइंट कि सिर के ऊपर से गया? अभी मैं अकेला काम कर रहा हूँ, जब आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाओगे तो एक टीम एनवायरमेंट बन जाएगा, तो हम सब मिलकर अपना इंटरेस्ट, अपना एक्सपर्टाइज, अपना आइडिया, अपना वर्क शेयर कर पाएंगे, कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा फायदा क्या है अगर आप मेगा फर्म बनाओगे, तो आपको नए नए काम सीखने को मिलेंगे, आपको डिफरेंट वर्क मिलेंगे। अभी तक अगर मैं सीएस हूं तो सिर्फ कंपनी लॉ का काम देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं मेगा फर्म में जुड़ जाऊंगा तो उसमें क्या होगा, मेरे को टैक्स का भी काम सीखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत? नहीं सर। तीसरा, कॉस्ट शेयरिंग हो जाती है, अकेला ऑफिस संभालना बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन अगर और पार्टनर जुड़ जाएंगे तो वही चीज क्या हो जाएगा, रेट कम पड़ जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाती है हमारी, जैसे मेगा फर्म होता है तो हम दूसरे वर्क भी अच्छा खासा सीख जाते हैं, हमें वहां पे बाकी हमारे पार्टनर ट्रेन कर सकते हैं कि आप भी ये काम सीख लो, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर।
इससे कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, हमें नए नए ट्रेंड पता लगते हैं। जैसे एक सीए बनना है तो अपडेट अपनी देता रहेगा, सीएस है तो अपने अपडेट्स देता रहेगा, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट को भी लगेगा कितने अपडेटेड लोग हैं, लोगों को हर चीज आती है। ठीक, आप इसे अपने पॉइंट्स भी जोड़ सकते हो, ये एकदम प्रॉपर मॉड्यूल के पॉइंट्स है जो हम कर रहे हैं। आपको समझ आ रहे हैं बेनिफिट्स? यस सर। हां सर। अच्छा, उसके बाद आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, आपकी ग्लोबल रीच बढ़ेगी। बड़ी फर्म है तो आप इंडिया में ही क्यों काम करोगे, पूरी दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते? यस सर। हां सर। नेक्स्ट, आप एक प्रॉपर रेवेन्यू शेयरिंग कर पाओगे, अकेले शायद उतनी कमाई नहीं होती थी, लेकिन अब मेगा फर्म बन गई है तो पैसा भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर, बढ़ेगा। नेक्स्ट, इस पॉइंट को मत पढ़ना। कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री परसेप्शन, आपकी अगर मेगा फर्म है तो आपको एक बड़ी कॉर्पोरेट के रूप में लोग जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी भाई, खुद सोचो, अकेला बंदा काम कर रहा है तो उसकी ज्यादा इज्जत होगी कि 25 लोग मिलकर एक बड़ी फर्म चला रहे तो उसकी ज्यादा होगी? 25 लोग की बड़ी फर्म की। तो आपको ये सारे फायदे समझ आए कि नहीं आए? अब इसमें से देखो, हाँ बताओ, कुल 5 याद कर देना, कितने? 5। ज्यादा नहीं करना, 5 करना। अभी तक चैप्टर समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। आया सर। अच्छा, नुकसान क्या है अगर मेगा फार्म बनाते हो तो? नुकसान नंबर 1, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा ज्यादा हो जाता है। भाई तुम 25 लोगों की अगर फर्म बना रहे हो तो ऑफिस सेटअप भी तो बड़ा लगेगा कि छोटा लगेगा? बड़ा लगेगा सर। नहीं बैठेगा, अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। दूसरा, जो सीनियर पार्टनर है वो जूनियर पार्टनर को डोमिनेट करते हैं, सही बात है गलत बात? सबका तो इक्वल स्टेटस है। क्यों सर, सबको तो इक्वल ट्रीट करेंगे ना। चलो, एक फर्म है जिसका नाम है एक्स वाई जेड एम कंपनी, ये मेगा फर्म है जिसको बने 25 साल हुए। कितने साल हो गए? 25 साल। अभी नया सीए बना हूँ और ये लोग मुझे एज अ पार्टनर रख दिया अपने, तो बोलने को तो मैं पार्टनर हूँ पर ये मेरे को डोमिनेट करेंगे, बोलेंगे हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस हो, तुम नए नए लड़के हो, तुम्हारी बात क्यों सुने। ये चीज होती है, आप भी फील करोगे कल को अगर किसी को बताओगे। आई मेरी बात समझ लो? नेक्स्ट, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, एक बार अगर एंटर कर गए तो बहुत टेक्निकलिटी, निकलोगे तो दुनिया भर की लाइबिलिटी आपके ऊपर डाल देंगे, तो आप परेशान हो जाओगे। डेट ट्रांसफर, क्या चीज? क्यों? पार्टनर आपको निकलने ही नहीं देगा, बोलेगा तू साइन कर दिया तो काम कर मेरे जैसे, यहाँ पे जाने ही नहीं दूंगा तेरे को कहीं। आई बात, कोई दूसरा ऑफिसर निकाल दिया तो? क्या चीज? दूसरा ऑफिसर कोई निकाल सकता है ना हम लोग को? निकालेगा कौन? निकलेंगे तो हम बराबर रिटायर होके निकलेंगे, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट से निकलेंगे, लेकिन निकलते टाइम ये ना डिफिकल्टी क्रिएट कर देते हैं बड़ी फर्म्स में। आप एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए, निकलते टाइम आपको परेशान करते, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। देन अगर ट्रांसपेरेंसी की कमी हुई, थोड़ा भी शक हुआ तो झगड़े होना चालू हो जाएंगे, ज्यादा लोग तो झगड़े भी ज्यादा हो सकते हैं, सही बात है? यस सर। एक बार अगर पार्टनर्स का आपस में विश्वास टूटा तो फिर इसको क्योर करना बहुत दिक्कत हो जाएगी, सही बात है? कंपनी की गैप अगर इनके बीच आ गया तो फर्म अच्छे से नहीं चल पाएगी, बताओ कितना क्लियर है? कम्युनिकेशन गैप कैसे आता है? जैसे एक पार्टनर अब मुंह फुला लिया, चिढ़ गया, बात ही नहीं कर रहा दूसरे पार्टनर से, उनके कारण काम अटक गया है, आ रही है बात समझ में? दूसरा पार्टनर कहीं जाके बुराई कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इतना अभी तक चैप्टर समझ आया कि नहीं, अच्छे से ये बता दो मेरे को? हाँ सर। अच्छा सर, अब बात करते हैं पहले रेवेन्यू मॉडल की, कि यहाँ पे जैसे पार्टनर होता है तो पैसा कैसे शेयर किया जाए। तो नॉर्मली देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सही बात है गलत बात है? पर क्या होता है, अगर आप एक मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म में जुड़े हो तो आपके साथ बहुत सारे पार्टनर है, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप ना कुछ कोशिश करते हो कि आपको अपनी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस के हिसाब से भी पैसा मिलता रहे, इसलिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बनाया जाता है, ठीक है?
तो जैसे एक सिचुएशन देते हैं कि पांच पार्टनर है ए बी सी डी ई, सब अलग अलग के एक्सपर्ट है, तो इनके बीच का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या हो सकता है? तो पहला मॉडल ये होता है कि जो पार्टनर नए क्लाइंट लाएगा, ठीक है, उसको रेफरल फीस मिलेगी, मतलब नए पार्टनर लाने का उसको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अलग से मिलेगा या नए क्लाइंट लाने का हिस्सा अलग से मिलेगा। जैसे मैं बात करूं, आपने वो देखा है कि अन अकेडमी, सुने हो? हाँ सर। उसमें स्टूडेंट रेफरल चलता है, जैसे आप स्टूडेंट लाओगे ना तो की फीस का आपको 10% मिलता है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो अनअकैडमी के टीचर होते उत्साहित हो के ना, जैसे कोई भी लेक्चर है तो 15 मिनट यही बोलते हैं कि मेरा रेफरल कोड यूज करो, और उनका देख रहा है कोड नीचे लिखा होता है, तो रेफरल कोड आप दोगे तो उनको क्या होगा, फीस में से उतना परसेंटेज मिलेगा। तो आप भी अपना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल ये कर सकते हो बेसिकली कि भाई अगर कोई नया क्लाइंट देकर आ रहा है पार्टनर, तो फीस का एक हिस्सा उसको दे देंगे। कोई दिक्कत, समझ आया कि नहीं आया, ये बता दो पहले। दूसरी चीज ये करेंगे, जब टोटल प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के हम रिटेन कर देंगे एक कॉमन पूल में, कॉमन पूल मतलब कॉमन अकाउंट में, ताकि उससे कुछ दूसरे वर्क किए जा सके। जैसे मान लो साल में एक फॉरेन ट्रिप पे सबको निकलना है, तो पैसा बचा हुआ है, जैसे कि मान लो फर्म की कमाई 1 करोड़ की हुई, तो इसमें से कॉमन इन्होंने क्या किया है, मान लो 5 लाख रुपया निकाल के रख दिया, ये कॉमन अकाउंट का है ना, मेरा ना तुम्हारा। अब ऐसा ही थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे और जब खूब पैसा हो जाएगा तो पार्टी कर देंगे, कहीं घूम घूम के आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। करना चाहिए ऐसा, नहीं करना चाहिए, इससे चाय पानी वाली दुनिया करना चाहिए सर, ब्रेक तो मिलता है। तीसरी बात, कोई भी काम का पार्टनर को 70% दो, 30% बिजनेस को आगे चलाने के लिए रखो। कोई दिक्कत, मतलब समझ नहीं आया। जैसे भाई अगर मैं बोलता हूँ कि तुमको सीएस पढ़ा रहे, अब तुम्हारी फीस अगर 5000 है, तो पूरा 5000 अगर मैं कंज्यूम कर देता हूँ, रख देता हूँ, तो इससे क्या होगा, आगे जो है कोचिंग चलाने में दिक्कत जाएगी। तो मैं आपके 5000 का 70% खुद रखता हूँ, 70% मतलब कितना हुआ, जितना भी हुआ, और 30% जो है मान लो मैं अपनी फर्म में लगा देता हूँ, ताकि आगे वर्क कैरी हो सके, जैसे स्टाफ को सैलरी देना, बिजली बिजली पे करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई बार समझ में? हाँ सर। कितना समझ में आया अभी तक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, ये बताओ? पूरा सर। अच्छे से आ गया। देन जब साल खत्म होगा, ठीक है, तो सारे खर्चे काट के जो प्रॉफिट बचेगा उसको जितना जिस इंडिविजुअल ने कंट्रीब्यूट किया है फर्म में, उस हिसाब से बांट दो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर। देखो चार पॉइंट, सबसे पहले अगर कोई पार्टनर नया क्लाइंट ला रहा है तो उसको उसका एडिशनल पैसा बना के दो, परसेंटेज दो। दूसरा, एक अमाउंट जो है कॉमन फंड में रखो। तीसरा, हर पार्टनर फीस का सिर्फ कितना परसेंट दे, 70% दे, 30% जो है पार्टनरशिप को फर्दर कैरी करने के लिए रखा रहे। साल खत्म होगा तो प्रॉफिट खर्चे बांट के प्रॉफिट आपस में बांट देना। आप बता दो, कोई दिक्कत? नो सर। छोटी छोटी अलग अलग स्कीम्स या वर्टिकल्स भी चलाओ, जिसमें अगर कोई इंडिपेंडेंट कोई काम करके आ रहा है तो थोड़ा पैसा फर्म को जाएगा, बाकी वो पैसा रख सकेगा पर्सन। जैसे फर्म के अलावा एक सीए ने और बड़ा कहीं से काम उठा लिया जो उसके वर्क से अलग है, तो ठीक है तुम करो, वहां से भी तुम अपनी कमाई कर सकोगे। आप बताओ, कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करूं क्या? मैं सीएस हूँ, सीएस फर्म में जुड़ा हूँ, सीएस का काम कर रहा हूँ, मेरे को कहीं से काम आया पेट्रोल पंप सेट करने का, क्या काम आया है? पेट्रोल पंप मेरे सीएस के काम से तो रिलेट नहीं करता है, लेकिन मैं कर तो सकता हूँ ना ये काम भी, तो यहाँ का जो पैसा आएगा ये मेरा इंडिपेंडेंट मनी है, ये मैं अलग से कमा सकता हूँ और अलग से रख भी सकता हूँ, तो मेरे को कोई रोकेगा नहीं उन कामों के लिए जो फर्म नहीं करता है। कितना क्लियर है, समझ में आया? तो आपको रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अब क्लियर हो जाना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट है क्या रेवेन्यू शेयरिंग का जो सिर के ऊपर से गया, ईमानदारी से बोलो? नो सर। सारे पॉइंट समझ आ गए अच्छे से? नए क्लाइंट को जाने पे आपको फीस मिलेगी, अलग से रेफरल फीस मिलेगी। दूसरा, कुछ परसेंटेज आप क्या करना, कॉमन पूल में रखना, मतलब कॉमन फंड में, जिससे आप कहीं घूमने उमने जा सको। हर पार्टनर को उसकी फीस का 70% देंगे, 30% ऑफिस वर्क में लगा देंगे,
ठीक, साल खत्म होगा, खर्चे काट के फिर मेन प्रॉफिट सब में बांटा जाएगा, और आखिरी आपने कोई इंडिपेंडेंट वर्क किया तो उसका पैसा खुद रख लेना। ये क्लियर हो गया? हाँ सर। अब ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है, हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से अलग अलग मॉडल बना देता है। क्लियर है? जैसे एक्सेल में टीचर जो पढ़ाते हैं उनको उनकी फीस का 60% दिया जाता है। कितना परसेंट? 60%। एबीएस वाला ये देता ही नहीं है परसेंट, वो सैलरी देता है। तो सबके अपने अपने ध्यान रखना, ठीक है? कितना अभी तक समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। हाँ सर आ गया। आ गया। अब लास्ट चीज है, चैप्टर खत्म हो गया आपका, मैनेजमेंट ऑफ फर्म, मतलब हाउ टू मैनेज मेगा फर्म। आप आज एक मेगा फर्म को मैनेज करने जाओगे तो वहां पर किस किस चीज को मैनेज करना होगा? तो सबसे पहला यहाँ पे मैनेज करना होगा ऑपरेशंस को। ऑपरेशन होता है वर्क को। कहने का मतलब यह है कि मेगा फर्म जब सर्विस दे रही है तो इसमें यह माना जाएगा कि हर फील्ड के एक्सपर्ट कम से कम होने चाहिए। मतलब अगर कंपनी लॉ का काम आ गया तो सीएस होना चाहिए, फाइनेंस का काम आ गया तो सीए होना चाहिए, कॉस्ट ऑडिट का काम आ गया तो सीएमए होना चाहिए, नक्शे वक्शे का काम आ गया तो आर्किटेक्ट होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना होता है कि सब अपना अपना काम एक्सपर्टाइज के हिसाब से कर रहे हो। बताओ कोई दिक्कत बेटा? अगर एक को लॉस होता है तो बाकी सबको भी बियर करना पड़ेगा क्या? हाँ सब बियर करेंगे, है ना? वो बोल नहीं सकते कि तुम्हारी वजह से हुआ जो तुम पे करो। फिर पार्टनरशिप किस नाम की? जब इक्वल ट्रीट कर रहे सबको तो सबको लॉस भी तो बियर करना पड़ेगा ना भाई। पार्टनर आप जब बनते हो तो आप दूसरे का नुकसान सहने को भी तैयार होते हो ना? ठीक है। दूसरा क्या करता है आपको, जैसे ऑपरेशनल वर्क मतलब तो आपको काम करना ही है, दूसरा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी निभाने होंगे, मतलब अपने ऑफिस को भी संभालना होगा। डे टू डे अपने ऑफिस के सेटअप को देखो कि बिजली सही आ रही है कि नहीं, प्रीमाइसेस अच्छी है कि नहीं, रिसेप्शन में कोई बैठा है कि नहीं, कॉल अटेंड करने होंगे, रिकॉर्ड कीप करना होगा, कंप्यूटर मेंटेन करना होगा, लाइब्रेरी मेंटेन करना होगा, ऑफिस में अच्छे फर्नीचर लगाने होंगे, सब करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर। भाई फर्म मैनेज कर रहे हो तो काम मैनेज करो, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब अपना ऑफिस मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं? तीसरा भाई स्टाफ मैनेज करना होगा, ह्यूमन रिसोर्स, सारे जो पार्टनर्स है सभी काम नहीं करेंगे, अपने अंदर ट्रेनी या स्टाफ रख देंगे और उन ट्रेनीज या स्टाफ से ही सारा काम कराएंगे। तो आपको देखना होगा आपका स्टाफ कौन होगा, उसको कब प्रमोशन दोगे, क्या सैलरी दोगे, क्या उस स्टाफ को बराबर स्किल है कि नहीं है, आप बता दो, कोई दिक्कत? सर एक बार फिर से बताओ ना भाई। जैसे आज तू और मैं ऑफिस खोल रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपना अपना काम बांट देंगे, ये ऑपरेशनल फंक्शन हो गया, ठीक है? दूसरा अपन डेली ऑफिस मेंटेन करने का काम करेंगे, मतलब देखेंगे बराबर कंप्यूटर कंप्यूटर चल रहा है कि नहीं, बिजली पंखा है कि नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे। तीसरा हमारा काम बढ़ गया तो अकेले हम दोनों थोड़ी काम करेंगे, हमको देखना होगा कि अंदर कितने स्टाफ रखने हैं, स्टाफ को कितनी सैलरी देना है, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, कोई दिक्कत? ओके सर, ठीक समझ आया। चौथा क्लाइंट रिलेशनशिप रखना बहुत जरूरी है। भाई एक क्लाइंट आया, ठीक है, बोला आपके यहाँ कोई ये काम होता है कि नहीं, बोला भग जाए आज मेरा मूड नहीं है, तो मेरी फर्म चल पाएगी? नहीं। आप बताओ। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि आपका जब क्लाइंट आए तो आपको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना आना चाहिए। अब ये चीज आपको यहाँ पे जो सेइंग नहीं है ना, इसको ध्यान रखना। माइकल आर कैप्लन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ गुडविन प्रॉक्टर, आर्ग्यूज द बेनिफिट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी फुल सर्विस मॉडल इन न्यूयॉर्क लॉ जर्नल। न्यूयॉर्क लॉ जर्नल पेपर है, उसमें माइकल आर कैप्लन ने कुछ बातें कही है। When law firm treat client relationship as strategic partnership, flexibility, transparency and communication are paramount. Investment in risk and reward is shared and all firm are leveraged for the client benefit. Only then does relationship grow and prosper. आपको इस लाइन को आपको रटना पड़ेगा और मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो जब एक लॉ फर्म अपने क्लाइंट को अपने बिजनेस का हिस्सा मान लेता है, उसको अपनी फैमिली की तरह मान लेता है, तभी वो ग्रो कर पाता है बिजनेस, अदरवाइज ग्रो नहीं कर पाता है। जैसे आप देखोगे एयरटेल का एड देख रहे हो आजकल, वो एयरटेल वाली गर्ल देश में कहीं भी पहुंच जाती है। हाँ सर। हाँ सर। तो इन्होंने आजकल एक नई चीज चालू करी, इनके एड में ना ये लोग आजकल वो बताने लग गए कि हमारे यहाँ कितने कस्टमरों की कंप्लेंट है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा लक्ष्य है 0 कंप्लेंट तक पहुंचना। ऐसा एड देखे हो क्या इनका?
हाँ सर देखे ना। है ना, तो भाई ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो क्लाइंट है हमारी फैमिली का हिस्सा है, हम उसको तकलीफ नहीं होने देंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटर्जी है कि वो जोड़ दिए, जैसे मैं भी कल को एक बिजनेस चलाऊंगा तो मैं अपने ग्राहक या कस्टमर को कस्टमर ना समझ के अपनी फैमिली समझूंगा। मतलब ये कि अगर मेरे यहाँ कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो सामने वाले की एडवाइस है उसके टेस्ट के हिसाब से होगा। अगर सामने वाले के टेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं है तो खरीदेगा क्यों? जैसे कोलगेट बोलता है कि पेप्सोडेंट इस टूथपेस्ट में नमक है, कौन बोलता है? कोलगेट कोलगेट बोलता है पहले आपको वो बताने का नमक के फायदे क्या है, फिर बताएगा टूथपेस्ट में नमक है तो आप उसका इस्तेमाल करोगे। कुछ मीठा हो जाए वो क्या बोलते, पेप्सी बोल रहे हो तुम्हें, कैडबरी है ना, कैडबरी इमोशनल होते हैं कि लगता है आदमी को फील आना चाहिए कि कैडबरी चॉकलेट खानी चाहिए। तो हर बिजनेसमैन वही कर रहा है भाई, क्लाइंट को अपने साथ जोड़ के नहीं रखोगे तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। कितना क्लियर है? पूरा सर, पूरा सर। लास्ट थिंग, पब्लिक रिलेशन और ब्रांड बिल्डिंग बना के रखो। बिना ब्रांडिंग के दुनिया में कोई काम नहीं चल सकता, ठीक है? आप आज एक फर्म चला रहे हो, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होनी चाहिए। टाइम टाइम पे आपको पेपर में एडवर्ट देना होगा, अपनी एक्सीलेंसी के बारे में, परफेक्शन के बारे में बताना होगा। जो दिखता है वही बिकता है, याद रखना हमेशा, ठीक है? तो आपको अपनी ब्रांडिंग करनी होगी। तो ये सारे काम नहीं करोगे तो फर्म नहीं चल पाएगी। तो अपना ऑपरेशंस पे ध्यान रखो, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान रखो, ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान रखो, क्लाइंट रिलेशनशिप पे ध्यान रखो और ब्रांड बिल्डिंग पे ध्यान रखो। कोई दिक्कत? नो सर। तो अब यहाँ पे जाके आपका ये चैप्टर जो है क्या हो गया, खत्म खत्म हो गया, ठीक है? कल आना 11 से 1 के बीच में, क्या करना, 2 के बीच में अपने शीट कलेक्ट कर देना, है ना? यस सर। ठीक है, कल मैं आपको सीएस रेगुलेशन पढ़ा दूंगा कि सीएस क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ठीक बात है? हाँ। ये कल पढ़ेंगे अपन, है ना? ये आप करो, आज काफी आपके लिए। जी सर। यस सर। बाय 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 सर।